मिनट पर शाहजहांपुर पहुंचेंगे और 2:15 बजे हेलीकॉप्टर से बरेली रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का विमान दिल्ली एयरपोर्ट से शनिवार करीब 11:25 पर रवाना होंगे और करीब 12:10 पर विमान बरेली के त्रिशूल एयरबेस पहुंचेगा। वहां से वो 12:15 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर के लिए उड़ान भरेंगे। करीब 1 बजे शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वो वहां पर 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल से निकलकर 2:10 पर हेलीपैड पर पहुंचेंगे और करीब 2:15 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ेगा जो 2:50 पर बरेली पहुंच जाएगा। यानी कि पहले शाहजहांपुर जाएंगे, उसके बाद बरेली दौरा भी है। तो पहले शाहजहांपुर जाकर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद बरेली रवाना हो जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि इतने कम समय में उत्तर प्रदेश के कई दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और आगे भी उनका जो ये काफिला है वो यूं ही चलता रहेगा। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद नजदीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। बार बार वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं, प्रदेश को बड़ी सौगातें दे रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। अभी हाल ही में वो काशी गए थे, काशी में उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम में वो भाग लिया और उन्होंने काशी की सड़कों पर भ्रमण भी किया था। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि काशीवासियों से एक विशेष संवाद जो है वो करते हुए नजर आए थे।